दोस्तों, Xiaomi ने लॉन्च कर दिया इंडिया में अपना पहला स्मार्ट टीवी और प्राइस रखी है सिर्फ 40,000 रुपये। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उसमें क्या क्या है फीचर्स। दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और हम आज बात करेंगे एम आई टीवी के फीचर्स के बारे में। एम आई टीवी आता है 55 इंच की स्क्रीन के साथ और रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 4K रेजोल्यूशन, वो भी HDR मोड के साथ। अगर थिकनेस की बात करें तो इसमें 4.9 mm की थिकनेस मिलेगी और बेजल्स भी काफ़ी थिन है, जिससे आपको एक पूरी स्क्रीन में फुल मूवी देखने का मज़ा ही और कुछ अलग मिलेगा। हार्डवेयर की बात करें तो इसमें आपको 64 बिट का एमोलॉजी कॉर्टेक्स A53 क्वाड कोर 1.8 GHz का CPU मिलेगा। GPU की बात करें तो इसमें माली T830MP2 750 MHz का आपको GPU मिलेगा। टीवी में आपको 2 GB की रैम मिलेगी और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। वीडियो डिकोडर की बात करें तो इसमें MPEG-1/2/4 H.265 H.264 फाइल सपोर्ट करेगा। ऑडियो डिकोडर की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा डॉल्बी ऑडियो DTS। टीवी के पीछे आपको USB के 2 पोर्ट मिलेंगे, उसके अलावा HDMI के 3 पोर्ट, ऑडियो वीडियो आउटपुट का 1 पोर्ट और एथरनेट का 1 पोर्ट मिलेगा। टीवी ब्लूटूथ 4.0 और वाईफाई 2.4 GHz के साथ आएगा। टीवी में आपको पेचोल OS देखने को मिलेगी, जो कि एंड्रॉयड के 6.0 मार्शमेलो वर्जन पे काम करती है। टीवी का जो रिमोट है वो भी कुछ खास किस्म का बनाया गया है। रिमोट में आपको बहुत ही कम बटन देखने को मिलेंगे, जिसका फायदा ये है कि यूज़ करने में बहुत ही आसानी रहेगी। दोस्तों, तो ये थे MI TV के टॉप फीचर्स। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। अगला वीडियो आपके लिए मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।